हेलो गाइस, तो डमी टिकट बुक करने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल की वेबसाइट पे, और यहाँ हमें गूगल पे टाइप करना है डमी फ्लाइट डमी टिकट्स। तो जैसे ही हम टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे काफ़ी सारी वेबसाइट, आप किसी में भी जाके आप डमी टिकट जनरेट कर सकते हैं। आपको कम से कम अपनी डिटेल्स फिल करनी है, पे करना है और आपकी डमी टिकट जनरेट हो जाएगी। मैं आपको अभी फिल करके दिखाता हूँ। ये जैसे कि मैं ये वेबसाइट पे आ गया हूँ dummyflights.com पे। तो यहाँ पे देखिए फ़्लाइट रिजर्वेशन और साथ में होटल रिजर्वेशन भी आप कर सकते हैं अगर आपको वीज़ा पर्पस के लिए लगाना है। ये आप देख सकते हो डमी फ्लाइट सिर्फ यहाँ पे 11 पाउंड में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है उन्होंने, तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। हमारे लिए राउंड ट्रिप चाहिए, मुझे चाहिए लंदन से, लंदन हीथरो एयरपोर्ट से मुझे चाहिए बार्सिलोना स्पेन में। तो उसका एयरपोर्ट का नाम है बीसीएन, हाँ वही है कंफर्म। मैंने अपनी कवर लेटर में मेंशन जो डेट की है वो 3rd of May है, 3rd of May, और रिटर्न डेट है 8th of May। ट्रैवलर मुझे 2 बंदे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सर्च करना है, ये हमें कौन सी फ्लाइट्स अवेलेबल है वो हमें दिखाएगा। तो वेट कीजिए, देखिए आ चुका है यहाँ पे सारा डिटेल्स। लंदन हीथरो से 3rd of May को मेरी फ़्लाइट है 5:20 पे, 2 घंटे 10 मिनट की फ़्लाइट है, और बार्सिलोना पहुँचाएगी मुझे तकरीबन 8:30 बजे के आसपास। और रिटर्न फ्लाइट जो मेरी है वो 8th of May को है रात को 9:10 पे, और मुझे लंदन पहुंचाएगी 9:10 पे है। बार्सिलोना से फ़्लाइट आएगी और लंदन पहुंचाएगी मुझे तकरीबन 10:30 के आसपास। तो बस ये ठीक है, कंफर्मेशन के लिए मुझे डमी फ्लाइट टिकट चाहिए। तो ये फ्लाइट टिकट का इधर डिटेल दिया है, यहाँ पे मुझे ट्रैवलर हम दो हैं, मैं और मेरी वाइफ। तो मुझे मेरा नाम मेंशन करना है, मेरा ऑलरेडी नाम है, मेरे वाइफ का नाम। कोशिश कीजिएगा कि आप प्रॉपर नेम टाइप करें जो आपने अपनी एप्लीकेशन में टाइप टाइप किया है, वैसे ही मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे सेम नाम आ जाए मेरा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ओके, तो हमें नेक्स्ट करना है, यहाँ पे हमें हमारे ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, यहाँ पे नेक्स्ट आएगा। फिर नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे हमें पेमेंट डिटेल, देखिए 2 11 पाउंड की टिकट है, तो मुझे 2 बंदों की 22 पाउंड की टिकट, उनका कुछ चार्ज वार्ज मिला कि 1 पाउंड का चार्ज है उनका, तो ये सब 23 पाउंड मुझे पे करना है। तो मैं पे करूँगा अपने कार्ड से, आप कैसे भी पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैं बाय नाउ पे क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हो मेरी टिकट सक्सेसफुल हो चुकी है, बोर्डिंग पास और ये सब आ चुका है, और यहाँ पे उनका सपोर्ट डाउनलोड माई रिजर्वेशन टिकट। तो ये मेरी टिकट डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हो ये टिकट ऑलरेडी मैंने मेंशन की है, और ये मुझे वीज़ा फॉर्म में अटैच करनी है। 3rd May to 8th May ट्रिप टू बार्सिलोना, यस मेरा नाम है, टिकट की सारी डिटेल्स, कहाँ से कहाँ जाना है कैसे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्म रिटर्न की टिकट्स भी है, ये सेम मेरी है, और नीचे दूसरी टिकट है जो मेरी वाइफ की है, दो कंफर्म हो चुकी है। तो बस ऐसे ही आपको डमी टिकट्स बुक करनी है, अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंफर्म टिकट की बजाय आप डमी टिकट बुक कीजिए, क्योंकि आपके ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो अगर आपका इन केस वीज़ा रिजेक्शन होने वाला हो तो। नहीं तो फिर आप अपनी वीज़ा सक्सेस के हिसाब से आप कंफर्म टिकट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं यूरोपियन ट्रिप के रिगार्डिंग पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस शेयर करने वाला हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस, डमी टिकट्स और अपॉइंटमेंट्स कैसे बुक करनी है सारी डिटेल्स। तो आप बने रहिए और देखते रहिएगा मेरे चैनल, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।